वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जितने भी ये पोकल भक्त है ना, जितने भी पोकल भक्त जो बोलते थे नॉन रोटी खाएंगे, साहब को जिताएंगे, आज गोल्ड फ्लेक का दाम सिर्फ 2 रुपया बढ़ा है तो उनके सीने पर सांप लौटने लगा है। ये बड़ा दावा कर रहे थे कि हम मानने वाले सच्चे, और यार बहुत बहुत मूड खराब है, बहुत मूड खराब है। कल से जब से बजट आया ना, मन एकदम बेचैन सा हो गया मन यार। लोगों के ताने तिशने सहने पड़ रहे हैं, लोग इनबॉक्स में आके कमेंट कर रहे हैं कि अगले बजट सत्र में भक्तों की किडनी बेची जाएगी। ये कोई बात है क्या यार? किडनी बेचोगे? कौन खरीदेगा सड़ी गली चीज? गुस्सा आता है यार इन सब की बातों पे। और हर बार कुछ ना कुछ हो तो एक मैसेज जरूर आ जाता है कि अंधभक्ति नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक थूक का दरिया है, चाट के जाना है। क्या थूक, क्या चाट? ये थूक का दरिया है, ये थूक का दरिया नहीं है, ये थूक का दरिया नहीं। ये सब मत किया करिए मैसेज, आप अच्छा नहीं लगता ये। और दोस्तों पे भी गुस्सा आता है यार, विंडो पे खड़े होना भी गुनाह हो गया। मैं खड़े होकर नीचे देख रहा हूँ तो भी नीचे से किसी ने आवाज लगा दी, ए चाय बोले, LIC बोले, रेलवे बोले, एयरपोर्ट बोले, या बोला ये क्या है, ये क्या बोल रहे हो यार, ये सड़क बोले, बिजली बोले, वेयरहाउस बोले, या ये कौन बोलेगा? बाकी क्यों छोड़ रहे हो, बाकी चीजों का भेदभाव क्यों कर रहे हो? फिर बोलता है भाई हमारे गांव में एक चाय वाला था, वो चाय नहीं बेचता। मतलब फिर क्या करता है? तो वही तो बोल रहे हो कि अब वो चाय नहीं बेचता। मतलब फिर क्या करता है? बोले अब वो चूरन चटनी आश्वासन क्या, मतलब बहुत दूसरी दूसरी चीजें बेच रहा है, बाकड़ा बदल लिया उसने। मतलब कहाँ की बात कर रहा है ये? बोला यूपी की। बोला फिर ठीक है, कहीं और की बात करो, मुझे सताने वाली कोई बात मत करना। और मुझे कोई भी बात करता है तो हर किसी की बात में डाउट आता है कि मुझे छेड़ रहा है। और मैं जितने लोग हैं जलने वाले लिब्रांडू एंटी नेशनल, सबको बता दूं ये 2021 का बजट जो सबसे अच्छा बजट है, अगर आपको भरोसा नहीं आता तो आप कोई भी न्यूज चैनल जाके देख लो, रवीश का छोड़ के। यार इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे, और वित्त मंत्री ने पढ़ा बजट, कांपा इमरान। हाँ ये बजट का पावर है, ऐसे कोई कांप सकता है क्या? ये बजट का पावर है। और 2021 का जो ये मेगा से बड़ा बजट जो है, ये शानदार बजट है। इस बजट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्या जबरदस्त बजट है बॉस। इसको तो आम इंसान तो छोड़ो, हमारी बिल्डिंग का चौकीदार भी इसकी तारीफ कर रहा है, बोल रहा है इस बजट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है बॉस। मैंने देखा है कि लोगों को ऐसे 15-15 लाख दिए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है, और बोला और उसके बाद आंख खुल जाती है। बोला क्या बात कर रहा है? बोला महिला देख, खुशी की बात यह है कि आपकी आंखों में सपने आ रहे हैं, इसका पॉजिटिव पहलू सोचो, ये पहले होता था? बोला नहीं होता था। बोला फिर देखो, और एक वीडियो तो हर बार आ जाता है, खुशी वाला वीडियो देखो, ये वाला वीडियो देखो। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये होता है, इसको देख के अंदर एक एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति आती है, एक श्रद्धा का विस्तार हो जाता है, एक बहुत अच्छा लगता है, एक फील गुड वाला फैक्टर आता है ये वीडियो देख के। मतलब आप लोग समझ नहीं सकते कितनी ताकत मिलती है वीडियो देखकर। और कुछ लोग इसके ऐसा एक मैसेज भेज देते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की --। क्या मतलब हो गया? अरे इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक है, स्कूल गए थे हम लोग, इसका सिंपल सा मतलब है, ये पूछने की क्या जरूरत है। और मास्टर स्ट्रोक कितना बढ़िया खेला है दीदी ने, इतना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक खेला है, 75 साल के ऊपर के लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ये होता है मास्टर स्ट्रोक। हाँ अगर 75 साल के ऊपर के लोगों को जिनको पेंशन मिल रही है उनको नहीं भरना है, अगर वो कमा रहे तो उनको भरना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करे, सबको आत्मनिर्भर बनने का पूरा मौका दिया गया, भेदभाव नहीं है किसी के साथ। और सबसे अच्छी बात, पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई और डीजल 4 रुपया बढ़ा। देखो आज के दौर में हम बात करते ना, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, अगर इंसान के बजाय पेट्रोल या डीजल अपने पैरों पे खड़ा होकर आगे बढ़ रहा है तो हमको तो खुशी की बात होनी चाहिए हमारे लिए, है ना। इतनी ग्रेट बात है, इतनी अच्छी बात है, इसको ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है। और मुझे एक शायरी याद आ रही किसी की बहुत अच्छी, कि इतना रोए थे लिपट कर दरो दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम,
और अपने बिकने का बहुत दुख है हमें भी, लेकिन मुस्कुराते हुए मिलते हैं खरीदार से। हम मस्त है ना शायरी? हाँ, मैं आप लोगों को ये पोस्ट भी कर दूंगा अलग से, है ना? ठीक है, जय हिंद। बजट बहुत अच्छा है ना? जय हिंद, जय भारत।